नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं मिथिलांचल में फेमस देवउठनी एकादशी के दिन कैसे पूजा पाठ किया जाता है। तो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए प्रसाद लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मखान, ईख, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, पान रहना ही रहना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बादाम ली हूँ, मिश्री ली हूँ, गोल दाना ली हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका जो सबसे मुख्य चीज़ होता है वह होता है एक यानी कि गन्ना, और साथ ही साथ मखान और पान। यह तीन चीज़ मिथिलांचल का सबसे फेमस होता है देवउठनी एकादशी में भोग प्रसाद में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे संध्या हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया सारा जल चुका है और यहाँ पे प्रसाद का थाल भी तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं चौक कैसे बनाई हूँ। ये मैं अपने घर में बनाई हूँ, जहाँ पे आपका गोसाई रहता है, यानी कि जहाँ पे आपके घर में मंदिर रहता है, मुख्य मंदिर रहता है, वहाँ से इसे बनाना शुरू किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बनाई हूँ जिसमें दो लंबा लकीर आपके आंगन तक जाना चाहिए, जहाँ पे आपका हॉल होता है वहाँ तक जाना चाहिए, और उसके साइड साइड में मैं थोड़ा थोड़ा सा फ्लावर बनाई हुई हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन मिथिलांचल में हर किसी के घर में ये चौक बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल सुबह में ही पानी में डाल दिया जाता है ताकि शाम तक में अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद इसे सिलोट और लोढ़ी या मिक्सी में पीस करके और अच्छे से हाथों से बनाया जाता है। यहाँ पे मैं एक कपड़ा का सहायता ली थी बनाने के लिए, ताकि हमारा चौक जो है वो अच्छा से बन जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो मुख्य चौक है, जो मेरे घर के आंगन के बीचों बीच बनाया गया है, वो कैसा है। तो आप जो ऊपर में लकीर देख रहे हैं उसको हर बोला जाता है, यानी कि कहा जाता है कि ये सात जोड़ी में बनाना चाहिए। और ये जो खल देख रहे हैं आप, इस मुझे इतना अच्छा से तो नहीं पता है कि क्या क्या बोला जाता है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। यहाँ पे दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बनाए जाते हैं बालक जैसे, और उनके हाथ में एक एक छड़ी जैसा डाला जाता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों। और ये जितना भी बनाया जाता है, इसके ऊपर सिंदूर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे बाल्टी मैं बनाई हूँ, जो भी चीज़ चौक में बनाया जाता है, चाहे आप कुछ भी बनाएं, वो दो जोड़ी में बनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये है चौक का सबसे मुख्य हिस्सा, हर हड़वा जिसे कहा जाता है, यानी कि हल, जो हम लोग खेत जोतने में हल का प्रयोग करते हैं, उसे यहाँ पे हर हड़वा कहा जाता है। वो हर था, ये हड़वा था, जो हड़वा पकड़ करके खड़ा है खेत जोतने के लिए। यहाँ पे चौक के बीच में, यानी कि अगर आप चरखुट बना रही हैं तो चरखुट के सबसे बीच में एक बड़ा सा फूल बनाया जाता है, और फूल का जो बीच का गोल होता है वो हमेशा डगड़ा से ही बनाया जाता है, जिससे हम लोग अन्न या गेहूं या चावल फटकते हैं। यहाँ पे पीढ़ा है जिस पे हम लोग बैठा करते हैं, वो सात पीढ़ा बनाया जाता है। यहाँ पे सारे बगल में मैं यहाँ पे दो लकीर डाली हुई हूँ, और चारों मुखिये पे अच्छे से फूल डाली हूँ। यहाँ दोस्तों दो तराजू बनाया गया है। कहा जाता है कि घर में जितना भी मुख्य चीज़ है जिससे आमदनी होती है, पैसों में बढ़ोतरी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं दो तराजू बनाई हुई हूँ, एक हर उधर था, एक हरवा यहाँ था, देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे दोस्तों दो छोटे छोटे और भी हर बनाए गए हैं, और यहाँ पे ओखल है, यानी कि जिसमें हम लोग अन्न या मसाला डाल के कूटते हैं, आप सभी को अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो यहाँ पे एक बनाया गया है, ये दो चालन है, और ये जो है छोटी सी जो लड़की जैसी आपको दिख रही है, वो घर का जो हम लोग साफ सफाई के लिए रखते हैं वो बनाई गई है। यहाँ पे दो किताब बनाया गया है, जिसमें मैं एक में ए बी सी डी ओ आ लिखी हूँ, और एक में कौ खौ ए बी लिख दी हूँ, मतलब कुछ भी आपको लिख देना है, कोई भी अक्षर आपको लिख देना है। यहाँ पे सात जगह अन्न भरा जाता है, जिसमें चार में चावल और मूंग, खड़ा मूंग है, और तीन में सिर्फ चावल ही रखा गया है।
देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा मिथिलांचल का जो सबसे फेमस पर्व माना जाएगा, हर मिथिलांचल के घर में आपको, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो या राजपूत हो या कोई भी कास्ट का हो, उनके घर में यह बनाया ही बनाया जाता है। ये काम करने वाली बनाई जाती है, जिसके हाथ में मैं झाड़ू दी हूँ, और ये घर के आंगन की साफ़ सफाई करती है। जैसे कि ये मैं चौक जो बनाई हूँ, उसका साफ़ सफाई करने का जिम्मेवारी इन्हीं का होता है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, मिथिलांचल का फेमस जो चौक बनाया जाता है, उसका सबसे जो फेमस है वो हर और हरवा बनाया जाता है। यहाँ पे मैं सारा चीज़ बनाई हुई हूँ, आप सब देख रहे हैं, यहाँ तराजू है। आपके घर में भी चौक बनाया जाता होगा, बहुत सारे घरों में घर के मुख्य द्वार पे बनाया जाता है, घर के हर मुख्य द्वार में थोड़ा थोड़ा फूल भी बनाया जाता है, और मेरे घर में आंगन में, बड़े से बड़े आंगन में जितना आप हर हरवा या जो भी बना रही हैं भर के बनाएं, उतना अच्छा माना जाता है। हर किसी के, जैसे कि यहाँ पे मेरा मिट्टी का आंगन है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि जिस आंगन में गोसाई रखा जाता है, यानी कि जो हमारा मेन भगवान होते हैं वो रखा जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि मिट्टी के ही आंगन में बनाया जाए। आज तुलसी विवाह है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं तुलसी चौड़ा को सुबह में ही बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, शाम में तुलसी जी का पूजा होगा, श्रृंगार होगा। अगर संभव होगा तो मैं आप सभी के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे दिया जल चुका है, यहाँ पे महावीर जी हैं, तुलसी चौड़ा बनाया गया है, और यहाँ पे फूल घर से लेकर के यहाँ लकीर इस चौक में सजाया जाता है। इस तरीका से मैं सारे चौक को बनाई हुई हूँ, आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे मुझे उतना अच्छा से नहीं आता है, मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ कुछ कर दी हूँ, ये मेरी दादी माँ मुझे बता रही थी कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, तो मैं इस तरीका से सारा चौक को बना करके और अपने आंगन में सजाई हुई हूँ। घर के हर एक, जितने भी मेरे गांव में आंगन है, सब आंगन में आज चौक बनाया जाएगा, और इस तरीका से चौक माता का पूजा होगा। आप जो फूल देख रहे हैं बीच में, उसमें जो चावल है उसके ऊपर दिया रखा जाएगा, फूल रखा जाएगा, प्रसाद चढ़ाया जाएगा, और घर के हर एक सदस्य यहाँ पे आकर के प्रणाम करेंगे, टीका लगाएंगे और दिया दिखाएंगे। इस तरीका से चौक का देव उठनी के दिन हमारे यहाँ पूजा होता है, जिसका प्रसाद, जो सबसे मेन भोग प्रसाद होता है, वह मखान रहने वाला है, इख रहने वाला है, यानी कि गन्ना रहने वाला है, और पान रहने वाला है। आज हमारे आंगन में हर एक सदस्य मुंह में पान जरूर लेंगे, वो भी मीठा पान खाने से अच्छा होता है, यह पूजा का नियम माना जाता है। तो यह थी मेरे आंगन की चौक पूजा दोस्तों, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह का और भी वीडियो चाहिए मिथिलांचल स्पेशल, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।